थोड़ा जेबे बाजी ने मारन दे जे तुम ट्रेन करा ए भी लाओगी बनाई करे चार अच्छा बाजी भाई। लगाएं भाई हां भाई लगाएं तड़का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। जनाब थोड़ा सा सूरज निकला था, थोड़ी सी गर्माइश मिली थी हमें, लेकिन आज फिर ना बड़ी सर्दी बन गई है। अचानक से बड़ी धुंध पड़ गई है दो तीन दिनों के बाद। तो आज जनाब स्कूल खुल गए ना? हाँ जी खुल गए। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल भाईजान खुल गए और भाई, आज पहला दिन थर बंदे की बस हो गई। भाईजान आज स्कूल खुले और स्कूल वालों ने कहा है कि 9:15 बजे आपने आना है। हाँ। सर्दी की वजह से ना उन्होंने थोड़ा सा टाइम जो है ना लेट किया। हाँ जी। तो कल धूप निकली थी तो मुझे लगता है शहरयार ने उसकी नजर लगा दी। हाँ नजर में अभी लगनी है, जो लाग बन जाए तो बड़ी गाल ले है, साड़ी नजर लग गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दी दा सलाम तुहानू सारेयां नू। मुबारक होए। मुबारक होए। आज भाई सर्दी काफी थी और आप भी स्कूल थे, तो आज ये देखें जी यहाँ पे मैंने कुछ ना लकड़ियाँ काट के रख दी हैं ताकि ना इनको बंदा इस्तेमाल कर सके। इतने देर यानी आज काम किए माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई मैं इतने दिन बाद के चलो कार्ड तो छोड़े ना, देखो कितनी डिगी ला छोड़ी है मैंने। ये सफाई की है। हाँ ये यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह पड़ी थी। हाँ। तो हमने उठा के यहाँ पर रख दिए ताकि हाँ ये सारे पत्ते पुत्ते ही पड़े हैं। सर्दी भाई माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा है और हमारा तो किचन देखो ना भाई खुला ही है, आसमान सारा नज़र आता है यहाँ से, तो बड़ा ही पाला लगता है, बड़ी ठंड लगती है बाहर जब बनाते हैं ना सालन वगैरह ये रोटियाँ पकाते हैं, क्योंकि किचन का मसला है, किचन तो है नहीं तो यहाँ पर बनाने में बड़ा मसला बनता है हमको, ठीक है ना। तो बस आप दुआ करें कि हम ना किचन भी अपनी बनवा लेंगे, नहीं इंशाल्लाह कभी ना कभी तो बन ही जाएगी। भाईजान हमारा था ना ओरिजिनल चूल्हा ये देखें, तो वो हमने वहाँ से उठा लिया। इसकी एक वजह हमने पहले बताई थी कि ये लकड़ियाँ ज़्यादा लेता है, तो इसलिए ना हमने यहाँ पर ये देखें अंगीठी रख दी है। यहाँ पर ना बड़ी ज़बरदस्त सालन बन जाता है और लकड़ियाँ भी कम लगती है। और बाकी सारे इंतज़ाम हो चुके हैं, यहाँ पर सफाई भी कर दी है, सारी सब्ज़ी वगैरह रख दी है। और आज हम भाई अम्मी जान दसे है कि छपना हुआ है दाल चने आंदी ते ए काली दाल इन पत दाल माश आ दिन में लगदा। हां भाई ये दाल चने वाली और काली दाल होती माश। हाँ। जन पे पंजाबी चांदे न मां दी दाल, ठीक है ना। तो आज हम मां की दाल और जो दाल है ना चने वाली, तो इसको मिक्स करके वो जो कहते हैं मधिया लगा के ना भतने वाली दाल बनाने वाले हैं। आज आ जा पाले दा स्वाद ले मुंडिया। हम भी पाले पे ना ठहर रहे हैं, तो बाजी का दिल किया तो भाई आप भी आ जाएं। तू वला दे सलाम इत्थे आवे। अम्मे कौन चलो जी आज हमने ना बथिए वाली दाल बनानी है, तो उसके लिए ये स्पेशल हमने कुन्नी ले ली है और इसमें हमने पानी वगैरह भी डाल दिया है जितना भाई मकदार में लेना होता है, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं अगर आपने बनानी है तो। सर्दी लगी।
माशाल्लाह पे हमने आग वगैरह जला लिया क्योंकि ना सर्दी काफ़ी है, तो पहले तो हमने सोचा कि आग जलाएं, उसके बाद पे सारे काम निपटाते हैं। हाँ, ऊपर से माहौल भी ओपन सा है, सर्दी इतनी है बंदे की बस जान निकलती जा रही है। अम्मी जान भाई चले गए और देखें भाई सारी ना जिम्मेदारी बाजी के हवाले, आओ देखो डारी गई है बाजी, डरना है तो बाजी को नहीं आई भवा मार रहे हैं गया यार शाय। देख के भाई साला नहीं गिराना, ठीक है ना। आज भाई जान बाजी थोड़ा सा बनाएंगे साथ साथ, क्योंकि इनको भी हमने साथ साथ ट्रेन करना है। हाँ जी भाई, ये देखें माशाल्लाह से जो पानी हमने डाल के रखा था ना तो वो गर्म हो गया है। दाल पे पहले पा दी है, हमने सारे मसाले पा देने। माशाल्लाह जी भाई, हमारी जो मध्य वाली दाल है ना वो तैयार हो गई है, तकरीबन हो गई है। अभी थोड़ी सी है पतली, इनके थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं नहीं, आग ते नु ला लेना है। अच्छा, गरम ते ओ ना सारा पानी छेक वेंदी। हां, यानी कि इसको ना पतला पतला ही हमने उतार लेना, क्योंकि बाद में ये सूख जाती है। हां जी, तो जे पानी ओसी ना ला दे रख लेसा, इधर ला लेने आ तड़का हुन। हां भाई, अभी तड़का लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं तड़का कैसे लगाया जाता है। थोड़ा जे पे बाजी नु मारन दे, ट्रेन करा ए व्लॉग बनाई करे। चल अच्छा भाई, लगाएं भाई। हां, एक तो बाजी नु सारन पकावन दा ही वाला आवन ते व्लॉग बनावन दा ही वाला आवन। कदी मैं नहीं आंदी, तुसा बहन बिरा कल्ले बनाया। चलो ठीक है, ए कुनी दा कल्ले ना। देखी सारा मुण, सारी दाल हिठा गई पई होवे। अभी जनाब टाइम काफ़ी हो गया और ये देखे मैंने चादर ले ली है, क्योंकि ना सर्दी हमको काफ़ी लग रही है भाई। उतारें अभी अम्मी जान का कहना है कि भाई ना सालन हमारा तैयार हो गया और अब हम लगाने जा रहे हैं तड़का, देसी तड़का भाई। तो सबसे पहले हमने फ्राई पान में थोड़ा सा घी ले लिया है, अब घी में देखते हैं भाई क्या क्या डालना होता है और कैसे तड़का लगाते हैं। घी हो गया गर्म, तो इसमें हमने डालने हैं लहसुन। ये देखें जी, ये जो इसकी शूं शूं शां होती है ना, यही देखने वाली होती है, इसे तो तड़का कहते हैं। अभी असल शूं शां भाई अब होनी है। हाँ जी, डार्क ब्राउन तो हो गए, अब इसका ना असल तड़का लगने जा रहा है जी। चलें भाई लगाएं तड़का। ओ तेरी खैर, आए बम धमाके। हाँ भाई माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह जी हमारी मधे वाली दाल जो है तैयार हो गई है। ये देखो माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, इसी तरह से दाल बनाई जाती है मधे वाली। अगर कोई भाई कोई स्टाइल है और कोई तरीका है तो वो आप हमें बता सकते हैं। अगर हमारा तरीका पसंद आया तो हमें वो भी बताइएगा। तो भाई अभी आप लोगों से लेते हैं ज़्यादा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। अभी रोटियाँ वगैरह हम अंदर ही पकाएंगे, किचन तो नहीं है वैसे, वैसे अंदर ही हम पकाते रहते हैं यहीं अंगीठी रख के, ठीक ना। तो आप लोगों से लेते हैं ज़्यादा, तो उम्मीद करते हैं कि व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।